हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एपेक्सीफिकेशन के बारे में। क्या होता है एपेक्सीफिकेशन, कब किया जाता है, क्या मटेरियल यूज़ होता है और कैसे किया जाता है, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और प्रैक्टिशनर है तो हमें आना ही चाहिए। बुक में आप देखते हैं तो काफ़ी टफ आपको लगता है, तो पहले बुक भी पढ़ लीजिए, इसके बाद आप देखेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और स्पेशली जो हमारे हिंदी मीडियम वाले दोस्त हैं उनको प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप लोग पूछते रहते हैं कि सर इजी करके समझा दीजिए। जितना इजी हो सकता है समझने का हम ट्राई करेंगे। चलिए समझते हैं एपेक्सीफिकेशन। एपेक्सीफिकेशन हम समझ रहे हैं तो एपेक्सीफिकेशन होता क्या है। दिस इज द प्रोसेस टू इंड्यूसिंग डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड अपाइकल क्लोजर ऑफ द रूट। कहाँ पर? इन द ओपन अपेक्स केस, जहाँ पर अपेक्स ओपन होगा। और कहाँ पर होता है? जनरली जो यंग परमानेंट टूथ है वहाँ पर। कैसे? अभी हम देख लेते हैं, इंडिकेशन में आपको बता देता हूं कहां पर करेंगे। यंग परमानेंट टूथ, इसमें ब्लंडरबस कैनाल होती है वहां पर। ब्लंडरबस कैनाल क्या होती है? इसको हम इमेचर कैनाल भी कहते हैं। थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं हम। पहले देखिए, ऐसा हमारा टूथ होता है, सिंगल रूटेड टूथ आप समझिए। तो जो कैनाल होती है ऐसे नेरो होती जाती है, आपको पता है, जो मेचर टूथ होगा उसमें। तो जब भी इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, एपाइकल प्रॉब्लम होता है, जो पेरिएपाइकल प्रॉब्लम होता है और हमें आरसीटी करने की ज़रूरत होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो हम इसमें बीएमपी करके जो हमारा जीपी होता है, जो मटेरियल होता है गट्टा पर्चा, उसको हम प्लेस कर देते हैं। उसकी कोन भी ऐसे आती है, ये प्लेस हो जाती है। लेकिन एपेक्सीफिकेशन की ज़रूरत कहाँ पर हमें पड़ रही है? जो इमेचर टूथ है वहाँ पर। इसमें होता क्या है, जो कैनाल आप देख रहे हैं नेरो हो रहे, तो इसके कैनाल नेरो होती है, जो परमानेंट टूथ है जो मैचर है। तो इसकी जो आप ये वाली वॉल देख रहे हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा, ये वाली जो वॉल देख रहे हैं कैनाल से यहाँ तक रूट की, ये वाली, ये थिक होती है, मजबूत होता है टूथ। लेकिन इसमें क्या होता है, इमेचर टूथ में कैनाल ब्रॉड होती है और जो एपेक्स होता है क्लोज होता है, सॉरी ओपन होता है। इसको हम ब्लंडरबस कैनाल या इमेचर कैनाल भी कहते हैं। इससे क्या होता है, ये ब्रॉड होने के कारण ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वीक होता है। तो ऐसे केसेस में जब कोई पैथोलॉजी होती है, पल्प को डैमेज होता है और हमें ज़रूरत होती है इसको ट्रीट करने की, तो डायरेक्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे, जो जीपी है उसको आप प्लेस करेंगे, वो एपाइकल पोर्शन को क्रॉस कर जाएगा, फिर वहाँ पर पैथोलॉजी क्रिएट होगी, पेरिएपाइकल पैथोलॉजी क्रिएट होगी, बस होगा, दर्द होगा पेशेंट को। तो ऐसे केसेस में हम एपेक्सीफिकेशन करते हैं इजी करके, जहाँ पर हमें एपेक्स को बनाना है, ग्रो करना है, या फिर जो एपाइकल पोर्शन है उसका क्लोजर करना है, ताकि जो हमारा जीपी है गट्टा पर्चा है वो हम प्लेस कर पाए, जो मटेरियल है रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल उसको हम प्लेस कर पाए। तो ये इंडिकेशन है कहाँ पर, यंग परमानेंट टूथ में हम करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, ब्लंडरबस कैनाल आपको पता होगा, इमेचर कैनाल, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के जहाँ पर सिम्टम होंगे वहाँ पर हम करते हैं, नेक्रोटिक पल्प है वहाँ पर करते हैं, या फिर पल्पोपेरियोपाइकल पैथोलॉजी है, स्वेलिंग हो रही है, दर्द है, साइनस इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे केसेस में ज़रूरत हमें पड़ती है एपेक्सीफिकेशन की। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम समझ लेते हैं इसमें मटेरियल क्या यूज़ होता है, ये ज़रूरी है, इसके बाद हम प्रोसेस पर आते हैं। तो मटेरियल देखिए, इसमें हम यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का जो पेस्ट होता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम दूसरे मटेरियल के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे सलाइन के साथ मिक्स करके, या फिर जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन होता है उसके साथ मिक्स करके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड पेस्ट, इसके बाद एंटीबायोटिक पेस्ट है, ट्राई कैल्शियम पेस्ट है, और जो है मिनरल ट्राई ऑक्साइड एग्रीगेट, जिसको हम बोलते हैं MTA, इसको अलग से भी हम किसी वीडियो में समझेंगे MTA को। तो मिनरल ट्राई ऑक्साइड एग्रीगेट का भी हम यूज़ करते हैं एपेक्सीफिकेशन के लिए। ये मटेरियल हैं, ये इंडिकेशंस है। कहाँ पर करते हैं आपने देख लिया, ओपन अपेक्स के केस में करेंगे, जहाँ पर रूट डेवलपमेंट को हमें ज़रूरत है, जहाँ पर अपेक्स को क्लोज करने की हमें ज़रूरत है। चलिए कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक इमेचर टूथ है, जहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन अपेक्स है, जो अपेक्स है इसका ओपन है, इसी को हम बोलते हैं ब्लंडरबस कैनाल या इमेचर कैनाल, जैसे हम समझ रहे हैं। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ,
टूथ में कैविटी लगा, जो पल्प इन्वॉल्वमेंट हुआ, जो भी अभी हमने इंडिकेशन देखे जब हमें ज़रूरत है एपेक्सिफिकेशन करने की। तो ऐसे कैसे इसमें हम इसको क्लीन करेंगे, तो ये ओपन अपेक्स है, इसको हम क्लीन करेंगे। अब जो ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है, जब भी हम इसमें क्लीनिंग करते हैं तो बीएमपी जिसको हम बोलते हैं बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, तो इसमें शेपिंग नहीं करनी होती कैनाल की। हम बीएमपी इसलिए कर रहे हैं कि जो नेक्रोटिक पल्प है, जो पल्प टिश्यू है, उसको हम निकाल दें, डिब्राइडमेंट उसका कर दें। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो, हमने अभी जो वॉल की बात की, इसकी जो वॉल होती है बहुत थिन होती है, इसके ब्रेक होने के चांस रहते हैं। तो वैसे ही इसकी जो कैनाल है ऑलरेडी पहले से ही इतनी थिक होती है, बड़ी होती है, तो हमें डिब्राइडमेंट करना है सिर्फ। तो क्लीनिंग कर लेंगे कैनाल की, उसके बाद जो इरिगेशन हम करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट से, इरिगेशन आपको कर लेना है अच्छे से। और इसमें हम ध्यान रखेंगे जो वर्किंग लेंथ होती है हमारी 2 mm शॉर्ट होनी चाहिए, पूरा लास्ट तक हम नहीं करेंगे। जो हमारा रेडियोग्राफ होता है, जो रेडियोग्राफ में दिख रहा है, उससे 2 mm आपको शॉर्ट रखना है। उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे, क्लीन इसको करेंगे, और ऊपर इनेमल होता है, फिर डेंटिन और ये पल्प, तो इनेमल डेंटिन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया है, हमें जो काम करना है उसमें हम फोकस कर रहे हैं पल्प में। ओपन अपेक्स है, इसको हमने क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद अब क्या करेंगे, जो हमारा मटेरियल है, जो एपेक्सिफिकेशन के लिए मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम प्लेस करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको प्लेस करेंगे। इसके लिए आप थिक पेस्ट आपको बनाना है, थिक पेस्ट यूज़ करेंगे, और इसके हमें क्लोज करना होता है। यहाँ पर जो ओपन अपेक्स है, इसको हम क्लोज करते हैं। इसको प्लेस करने के लिए आप जो अमलगम कैरियर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। अमलगम कैरियर जो हम कैविटी के लिए यूज़ करते हैं, अमलगम को पिक करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसको डालिए, फिर कंप्रेस करना है आपको, यहाँ पर प्लग बनाना है, एपाइकल प्लग बोलते हैं, वो बनाना है। और इसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन से आप देख रहे हैं, ये है कॉटन, एक ड्राई कॉटन आपको इसमें प्लेस करनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाने के बाद। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम टेम्परेरी मटेरियल से, टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल से जो केवीटी है उसको फिल कर देंगे, और इसको हम छोड़ देते हैं 3 महीने के लिए। और मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम मॉइस्ट कॉटन लेते हैं, ड्राई कॉटन, इसमें हम ड्राई कॉटन लगाते हैं, उसमें हम मॉइस्ट कॉटन लगाते हैं, क्योंकि जो एमटी है उसको सेट होने के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट विजिट, उसमें हम 48 आवर्स के बाद करनी होती है, हम देखते हैं कि सेट हुआ या नहीं एमटी, उसके बाद हम निकाल के फिर हम टेम्परेरी फिलिंग करते हैं। इसमें आपको ड्राई कॉटन लगाना है और फिर फिल कर देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो। और इसके बाद हम 3 महीने के लिए इसको छोड़ देते हैं। 3 महीने के बाद हम पेशेंट को बुलाएंगे, रिकॉल करते हैं, उसके बाद आप एक्सरे लेंगे, और जो एपाइकल क्लोजर हो रहा है नहीं, इसको हम चेक करते हैं। साथ साथ में हम मटेरियल को पहले क्लीन करेंगे, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारी, जो फाइल होती है स्मॉल नंबर की, 8 नंबर 10 नंबर की फाइल है, उनको प्लेस करके आपको चेक करना होता है क्लिनिकली कि एपाइकल क्लोजर हो रहा है या नहीं, रूट फॉर्मेशन हो रहा है नहीं। रूट फॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से होता है, वो आप रेडियोग्राफ में देख के समझ सकते हैं, उसमें आपको दिखेगा कि क्लोज हो रहा है या नहीं। अगर क्लोज हो जाता है तो उसके बाद आपको गट्टा पर्चा क्लीन करके, जो हमारा मटेरियल है गट्टा पर्चा, उससे आपको फिल कर देना है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जैसा हम करते हैं वैसा ही करना है। अगर नहीं हुआ है तो फिर से इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, और फिर हम नेक्स्ट विजिट में चेक करेंगे कि एपाइकल क्लोजर हो रहा है या नहीं, जो रूट फॉर्मेशन है वो हो रहा है या नहीं। तो ये था एपेक्सिफिकेशन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जल्दी ट्राई करेंगे उसमें वीडियो लाने। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।